पिछले 20 सालों में 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिला है? घोटाले मिले हैं, महिलाओं पर अत्याचार मिले हैं, आदिवासियों पर अत्याचार मिले हैं, शिक्षा में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिला है। पर जो त्रस्त है मध्य प्रदेश की जनता 18 साल बीजेपी की सरकार, और जो मैंने हकीकत आपको बताया है उससे पीड़ित है। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री रीब्रांडिंग में माहिर है, उस्ताद है। एक जमाने में प्रधानमंत्री इसको रेवड़ी कहते थे, अगर आपने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो ये तो रेवड़ी ही रेवड़ी है, और वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। पर जब कांग्रेस वादा करती है तब कहते हैं ये रेवड़ी है। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बना दिया, यू टर्न तो करते हैं, जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी के वकील बन गए, महात्मा गांधी नरेगा की खूब आलोचना की, पर आज महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का वो पूजा करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री कल कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो रीब्रांडेड है उसको हम और 5 साल लागू करेंगे। ये आर्थिक पीड़ा नहीं दर्शाता है तो क्या दर्शाता है? और 10 दिन दिया गया लॉकडाउन को ताकि हमारी सरकार भोपाल में मध्य प्रदेश में गिरे, तो एक साजिश था। गद्दारों की कमी नहीं थी और हमारी सरकार गिरी। अभी मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री